आप बताइए सर, कुछ बात कर रहे थे सेंसेस की, मतलब ये जो एमएसपी की बात कर रहे थे, आप कैसे बोल सकते हैं कि गारंटी नहीं दे सकती सरकार? क्या बर्डन आ जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा सरकार के ऊपर? फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा बिल्कुल, गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, जनता पे दबाव आएगा, लाखों करोड़, अरे 10 लाख करोड़ का बर्डन आएगा, एमएसपी को लेने में 10 लाख करोड़ का बर्डन आएगा। अभी भारत सरकार का कितना बजट है, साल का बजट कितना है? 7,500 करोड़ का है, 45,000 करोड़ का बजट है और 10,000 करोड़ का लगभग दबाव आएगा सरकार के ऊपर। अब बताइए इतना अगर हो गया तो पॉकेट से किसके जाएगा, कौन देगा इसके पैसे? सरकार किससे पैसे लेती है? हम ही आपसे लेगा। ऐसा तो नहीं है कि आसमान से निगिरा देगी या पेड़ से तोड़ के दे देगी, आम लोगों से लेगी ना। 10 लाख करोड़ अगर 45,000 करोड़ टोटल बजट ही है सरकार का साल का, उसमें से 10,000 लाख करोड़ रुपए दे देगी तो बचेगा क्या? फिर सरकार खर्च कहाँ करेगी? सेना हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और भी चीजें होती है। किसानों से थोड़ी लेगी वो, किसान का गलत थोड़ी ले रहे हैं, अपनी खेती का पैसा ले रहे हैं ना वो भाई। खेती का मतलब ये होता है, अब जैसे आप क्या रहे हो ना, एमएसपी नहीं मिल रही भाई, ये भाई हैं, आप ये बता दो, ये कोई काम करते होंगे, मान लो आप ये भाई कुछ भी बेचते होंगे, ये भाई कभी खेती नहीं करी, मैंने खेती करी, मैंने अपना गल्ला बेचा, मेरे घर पे आ गया भाई, मान लो बेच के 1,00,000 रुपये आ गया, नहीं आया ज़्यादा, मैं कमाने निकल रहा हूँ दिल्ली, मैं हर महीना 20,000 रुपये भेज रहा हूँ, मेरा परिवार चल रहा है, राज्य खुशी चल रहा है। अब ये भाई के पास कोई खेत नहीं है, अब मान लो मैंने एमएसपी मांग ली, मुझे चाहिए 100 रुपये किलो, अब भाई ये सरकार ने मुझसे 100 ले लिया, ये भाई 120 में खरीद लेगा? जो कंपनी खरीदेगी वो पैकिंग करेगी, उसका आगे कैसे प्रोसेसिंग करेगी, तो 120 भाई को ले सकते हो आप? 120 रुपये किलो आटा ले सकते हो आप? पॉसिबल है? देखिए आपका जवाब दूंगा, पहले आप बड़ी बात यही सिंपल सी है भाई, मेरा अगर नहीं निकल रहा उतना प्रॉफिट देश में ना, आज भी 66% भाई किसान है, 66% अभी भी उसी पे खेती पे चल रहे हैं, ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं जो एमएसपी की बात करी जा रही है, बढ़िया मेरे बाप ने मुझे बढ़िया पढ़ाया खेती से ही, बढ़िया उसके बाद में हमने अपना घर चलाया, अच्छी तरह रह रहे हैं, और उसके बाद मैं दिल्ली में भी आया हूँ ना, मेरा मन नहीं करे ना फिर खेती करने चला जाऊँगा, मैं राजी हूँ भाई। और बताओ, मुझे ट्रैक्टर लेके आने का टाइम नहीं, मेरी सगी बुआ मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर रहती है भाई, मेरे भाई मतलब जो चचेरा भाई लगेगा बुआ का लड़का, उसकी सगाई थी, मेरे पापा नहीं जा पाए, भैंस खोलनी है, फलाना ढिमकाना ये वो, ये लो 8 महीने 9 महीने साल बैठ के चले जाएं भाई, किसान है क्या, क्या किसान है मेरे भाई, इतना खाली इंसान मेरी जिंदगी भी नहीं देखा जितने ये खाली हो रहे हैं भाई। बाकी तो भाई अगर तुमको एमएसपी नहीं दे रहे फलाने, अरे भाई मेहनत करो, सब कुछ मिल रहा है, इस देश से क्या लेना चाहोगे? पहले यूपी में साला मुझे अपने घर जाने लिए 4 घंटे 5 घंटे ची 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 करके जा रहा था, आज के टाइम में गाड़ी पे 100 से नीचे मैं स्पीड नहीं करता अपनी गाड़ी को, 1 घंटे में पहुंच भाई, 1.5 घंटे में घर लगा देता हूं गाड़ी में यहां से, जहां पहले 5 घंटे लगे। और उसके बाद भाई कहां जाना, अपने लखनऊ जाना, मैं पूरा साउथ इंडिया घूम के आया, रोड ले लो भाई, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ना इतना अच्छा जा चुका है ना भाई, घूमो लिटरली घूमो इंडिया भाई, बहुत बदलाव है भाई। मैं कह रहा हूँ मैं 100 साल तक वोट दूंगा भाई, अगर राम मंदिर हटा दो मुद्दा यार, अगर तुम ये देख लो कि रोडे कहाँ पहुँची ना, सिर्फ रोडे देख लो भाई, अब जो ट्रक पे सामान लोड होकर जा रहा भाई 10 दिन में पहुँच रहा साला, वो 3 दिन आपको अगर टोल ज़्यादा दे रहे हो, अब भाई ईंधन कितना बच गया उसका डीजल ये देख लो, मेरा जहाँ भाई लखनऊ तक का तेल लगता था जहाँ मान लो 6,000 रुपये का, मैं वहाँ 4,000 पहुँच रहा हूँ, मैं अगर 1,000 रुपये टोल दे रहा हूँ मेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं नहीं, अरे हर तरह बिजनेसमैन है ले भाई, बिजनेसमैन नहीं हो सकता, तू क्या है भाई मित्र, क्या है? मैं बिल्कुल किसान की बात कर रहा हूँ भाई, अरे भाई किसान है लंबी चौड़ी बात कर, अरे भाई किसान है तो बिजनेस करेगा नहीं क्या, सामान भी उकेगा तो बिजनेस, एक तक की बात मैं तो नहीं, अरे भाई हर चीज बता रहा हूँ मेरे किसान देवता, समर्थन मूल्य, अरे अलीगढ़ का भाई, अलीगढ़ का ही मैं हूँ, मैं कोई लंदन का थोड़ी हूँ, मैं भी अलीगढ़ का जेवर जट्टा जी का हूँ भाई। अब उस 11 घंटे में जैसे ये खेती की बात, अरे यार एक बार डीजल पेट्रोल सारी चीजें आ रहा हूँ यार, किसान की जिंदगी में नहीं है ये जो रोड बन रहे किसान यूज नहीं कर रहे, कौन ये किसान यूज नहीं कर रहे, ये रोड बन रही है, टूल टैक्स नहीं दे रहे, तो भाई पहले नहीं लग रहा था, एक बात बताओ भाई, मैं टैक्स नहीं दे रहे, अरे बात तो सुन ले टोल टैक्स वाली भाई, किसान अपने आई से ट्रैक्टर से जाएगा धीरे धीरे जाएगा, ले भाई किसान है ही नहीं, अरे उपद्रवी है वहाँ पर जो आए हुए सब उपद्रवी है, अरे भाई किसान है, एक बात बताओ वहाँ पर जो किराए का ट्रैक्टर आए हुए हैं, एक बात बताओ भाई, अब ये छोटे किसान की बात, रुको रुको एक बात, आप क्या खाते हो आप, अरे खाना नहीं खाते, अरे रुक तो जाओ भाई, किसान है वो भाई साहब, उसने चंबू बॉर्डर में एक पुलिस वाले को कुचल दिया, तुम कह रहे हो किसान है, अरे छोड़ो मैं सांप्रदायिक नहीं जाऊंगा किसी पे, छोटे किसान पे आ जाओ बात करते हैं, बहुत छोटे पे आ जाओ, एक बिगाड़े पे आ जाओ, एक बिगाड़े का कोई नहीं बेचारा वहाँ पे जा सके, अर्थी पे जा सके, जो वहाँ पे मंडी तक पहुँच नहीं सकता, वो उतना ही उगा के अपना खा ले,
उसके बाद में उस, अगर मान लो मैं एक बीघा उगाता हूँ, एक बीघा मैंने गेहूँ बोल लिया, सबसे छोटे किसान में जाओ, भारत में मैक्सिमम किसान 60% छोटे किसान है। मैं बहुत ऊंचे घर से आ गया, चलो ठीक है, मेरे 100 बीघा खेती आ गई, मैं बहुत ऊंचे घर से आ गया, मैं छोटे किसान में बात कर लेता हूँ, इसने गेहूँ उगा लिया, धान उगाने के इसके पास भाई फसल के पैसे नहीं है, और एक बीघा भाई धान भी नहीं उगा सकता। अगर मैं MSP की बात कर लूँ कि मुझे भाई 100 रुपये किलो में अपना धान बेचूंगा, मैं बड़ा किसान हूँ, तो ये छोटा किसान धान और चावल खरीद के खा लेगा? अब छोटा किसान कहीं कहाँ से खा लेगा भाई? आलू का मैं मांग लेता हूँ 70 रुपए, वो कहाँ से खा लेगा? दिहाड़ी लगा के बंदा जो 500 रुपए वो कहाँ से खा लेगा? अरे भाई सरकार इतना पैसा है, इतना पैसा है MSP MSA, भाई वो मांग रहे 10,000 रुपए की पेंशन, दे दोगे? अरे दे दोगे अभी तो? अरे भाई पेंशन मांग रहे, 700 मनरेगा के मांग रहे, 700 मनरेगा के मांग रहे, चलो वो भी ठीक है, 700 रुपये मैंने मान ली, चलो ठीक है, वो मजदूरों को कहाँ मिल गया 700 रुपये का, 10,000 पेंशन 60 साल से ऊपर, भाई दो भाई, देश का बजट % आबादी जो किसान है, का बजट है 45 लाख करोड़ का इस साल 2023 का जो बता रहा हूँ, इन्होंने 36 लाख करोड़ की मांगे रखी हैं, इसमें अब इसमें आर्मी चला लोगे? 36 लाख करोड़ मान लो इनकी मांगे पूरी कर दी आपने, अब 9 लाख करोड़ बच गया, उसमें आप आर्मी चला लोगे? आर्मी चलाओगे आर्मी का? अरे मेरे भाई बात जब MSP MSA जब सारी मांगे पूरी करो ना, MSP MSA करो। अभी छोटा किसान की बात करी मैंने, वो एक बीघा गेहूँ उगा रहा है, अब उसके पास ना आलू उगाने के लिए खेत बच रहे हैं, ना चावल उगाने के लिए खेत बच रहे हैं, ना बाकी चूल्हे के बच रहे हैं, MSP की बात पे आ गए। अब वो मांग क्या कर रहे हैं? 252 रुपये किलो गेहूँ, जाओ खरीदो ना 300 रुपये किलो आटा, जाओ ना भाई, ये जो खड़े हो ना बैग टांग के, बैग नहीं रह जाएगा, क्योंकि 300 रुपये जब आटा लेके आ रहे हो ना, वही हगने बैठ जाओगे भाई, अब कहाँ से घर चलेगा, क्योंकि आटा आटा आ पाएगा उतने में भाई, ज़्यादा बहस का फायदा नहीं है। 18 मैं कह रहा हूँ 20 रुपये किलो अगर मैं गेहूँ बेच रहा हूँ, मेरी बचत उसमें 3 रुपये की आ रही है, मैं लिख के दे रहा हूँ आ रही है मेरी, और मुझे नहर का पानी हमारे गांव में नहीं लगा हुआ है, तब कह रहा हूँ मैं अगर यूज़ करके बिल्कुल। अरे बात सुने, MSP का खर्चा 10 लाख करोड़ रुपये है, और वो कहते हैं ऋण माफ़ कर दो 21 लाख करोड़ रुपए है, भाई साहब कंगाल हो जाएगा, पूरा देश कंगाल हो जाएगा इस टाइम, ये इलेक्शन से पहले ही याद आ रहा है इनको, ये जो बैठे हैं ना किसान, सो कॉल्ड किसान, ये किसान नहीं है, ये सिर्फ आड़ती है, ट्रांसपोर्टर है, या जो है ये उपद्रवी है, उपद्रवी और मैन है किसान और सरकार के बीच में, ये मिडल मैन है किसान, तो भाई साहब खेतों में काम कर रहा है, अभी जाके देख लो का सीना चीर रहा है, हाँ बिल्कुल, किसान तो अभी भी काम कर रहे हैं, ये भाई साहब ये सिर्फ इलेक्शन से याद पहले आया। आज राहुल गांधी कहता है भैया आप है ना, आप ये जो है ना, मैं क्या नाम आपको है ना गारंटी देता हूँ, अगर इलेक्शन में हम आए ना, लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, होने ही वाले हैं, आपको पता ही सबको, हम है ना, हम आपको MSP की गारंटी देते हैं। उससे ये पहलो, उससे ये पूछो, 2004 और 6 के बीच में मनमोहन सिंह जी जो स्वामीनाथन का वो लेके आए थे, स्वामीनाथन कमीशन ऑन फार्मर्स, तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया 14 तक? क्या सोए हुए थे? आज उसको याद हो रहा है मैं इलेक्शन में ये कर दूंगा वोट दूंगा, वो दावे कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, सबसे पहले कानून मैं जो बनाऊंगा वो MSP गारंटी दूंगा, सर कानून बनाऊंगा। अरे मेरे को बताओ, दावे कर रहे हैं ना, दावे कर रहा है ये, झूठ बोलने में वो भाई साहब माहिर है। मेरे को बताओ, राजस्थान में इलेक्शन हुए थे अभी विधानसभा के, वो कह रहा था भाई साहब हमारी गवर्नमेंट लाओ, हम जो है ना MSP लागू करेंगे, ठीक है। और उससे ये पूछो, 5 साल पहले अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी, जब तो लागू किया नहीं, अच्छा अब तो अभी भी अगर अभी भी करना चाहता है MSP लागू, तो हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में तेरी सरकार है, तू करके है ना, हम सत्ताधारियों को आईना दिखा दे, अगर कर सकता है तो तेरी हिम्मत है, उसकी हिम्मत ही नहीं है। अरे उसकी हिम्मत है नहीं भैया, वो ये सब बरगला में दावे कर रहे राहुल गांधी हैं, हवा में दावे कर रहे। अरे वो यार वो नजर ही आ रहा है, अब मेरे को पता इलेक्शन से पहले 5 साल, अब इलेक्शन में इनको नज़र आ रहा है ये कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो है ना हताश हो चुका है, उसकी जो है ना इंडिया गठबंधन जो घमंडियां सारे एक के बाद एक विकटे गिरते जा रहे हैं, ममता बनर्जी गई, अरविंद केजरीवाल गया, नीतीश कुमार गया, भगवंत सिंह मान गया, अब आज आपने फारूक अब्दुल्ला भी जा रहा है, वो कह रहा है भाई साहब NDA अगर मेरे से बात करेगी तो मैं ना उनसे भी गठबंधन करता हूँ, कोई वासी मान नहीं है। तो इससे साफ पता लगता है ये हताश है, इनका मेन मकसद क्या है भाई? मोदी को हटाना, बस BJP को हटाना, यही है इनका। बोलेंगे क्या नाम है सर आप? मेरा महेश नाम है। क्या बोलेंगे ये जो MSP के लिए मांग चल रही है, अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? MSP में अगर 252 रुपये किलो गेहूँ खरीदेगा, 300 रुपये किलो में मजदूर एक कहाँ से, 700 रुपये अगर दिहाड़ी भी देता है तो 700 रुपये में 2 किलो आटा नहीं होगा,
उसके लिए तेल सब्जी चाहिए, तो कहाँ डायरेक्ट से कहाँ खरीदेगा? ये किसान है ही नहीं, ये तो ये केजरीवाल का भेजा हुआ वहाँ सरकार है उसका, यूपी का आदमी है केजरीवाल जो है सो भेजा है इसको, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे जो डटे हुए वो केजरीवाल का आदमी है। और 2021 में भी आया था किसान जो कि देख लिया यहाँ किसान का हुड़दंग।